नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र द्वारा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक निमेश पाठक ने क्राइम ब्रांच में शिकायत लगाई है। निमेश पाठक ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि मितेंद्र ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते बलात्कार की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि इन सब की जिम्मेदारी मोहन सरकार पर है। इसके साथ ही मितेंद्र ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मामा कंस की संज्ञा दी है, जिस पर निमेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंदौर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि मितेंद्र सिंह की इस पोस्ट से प्रदेश में झूठ और डर का वातावरण निर्मित हो रहा है। पाठक ने आगे कहा कि मितेंद्र द्वारा की गई टिप्पणी से प्रदेश परेशान है और अराजकता फैलाने का खतरा भी है। निमेश पाठक ने कहा कि उनकी टीम लगातार मितेंद्र के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवा रही है और लोगों में जागरूकता फैला रही है। इंदौर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने एक्स प्रोफाइल पर 1 तारीख को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बारे में कमेंट किए गए हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनर्गल शब्दों का उपयोग किया गया है और यह एक प्रकार से विभेद उत्पन्न करने की और भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई है उस वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो के कंटेंट है कि खौफ के साए में मध्य प्रदेश रक्त रंजित महिलाएं और मोहन जी को कंस कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को। कौन है जिसने कहा है? ये यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में मध्य प्रदेश के। इन्होंने एक वीडियो बनाकर ट्वीट किया है। वीडियो में क्या ऐसा कुछ हो रहा है? वीडियो में उन्होंने कई इस प्रकार के शब्द जो सार्वजनिक जगह पर बोलना भी ठीक नहीं लगते हैं और महिलाओं में एक भय का वातावरण उत्पन्न करने के लिए एक गीत उसमें डाला गया है। शिकायत क्राइम ब्रांच इंदौर में की। एफआईआर दर्ज हुई है 356-2 बीएनएस और 353-2 बीएनएस के अंतर्गत शिकायत दर्ज हुई। आपका नाम बताइए। निमेश पाठक, महानगर संयोजक।